दोस्तों अगर आप टिकटॉक यूज़ करते हैं तो ये वीडियो कंप्लीट देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ रेस्ट्रिक्टेड मोड को ऑन करने के बाद उसको ऑफ कैसे करते हैं। साथ साथ में स्क्रीन मैनेजमेंट का एक ऑप्शन आ रहा है जहाँ पे आप अपनी वहाँ पे एक पासकोड लगा सकते हैं और उस पासकोड के थ्रू आप अपने 60 मिनट में एक बार उस स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं। तो वो आपने फीचर्स देखा ही होगा अगर आप टिकटॉक यूज़ करते हैं तो आपने ऑन भी कर रखा होगा, और मैंने इस टॉपिक पर पहले वीडियो भी बना कर रखा है किस तरह से ऑन करना है, तो वो वीडियो आपको देखना है तो आई बटन में सारे टिकटॉक स्पेशल की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अगर वहाँ पे मैंने उस वीडियो में बताया था कि आपको ऑन कैसे करना है और क्यों ज़रूरी है ऑन करना, और यहाँ पे इस वीडियो में बताने वाला है उसको ऑफ कैसे करते हैं यानी बंद कैसे करते हैं। तो ये वीडियो कंप्लीट देखना, और अभी तक मैं यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में, कोई चार्ज नहीं लगेगा। गाइज ये टिकटॉक का वीडियो है तो इसी वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आई बटन में एक पोल मिल जाएगा, उस पोल में आपको यस और नो का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे मैंने उस पोल में क्वेश्चन पूछा है क्या टिकटॉक बैन होना चाहिए इंडिया में या नहीं, हालांकि अभी जो चल रहा है बैन होने के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चल रही है, मैंने कल ही देखा था लेकिन वीडियो नहीं बनाई इस टॉपिक पे, क्योंकि जब तक मैं श्योर नहीं हूँ वीडियो नहीं बनाता हूँ किसी भी टॉपिक पे हो। लेकिन आपको क्या लगता है ये होना चाहिए, क्योंकि चाइनीज़ कंपनी का और चाइना से जैसे कि कोरोना आया है तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम चल रही है ऐसा सुनने को मिला है, तो आपको कैसे क्या लग रहा है ये टिकटॉक बैन होना चाहिए या नहीं, यानी कि आपको मन की बात करनी है यस और नो में से जो भी आपको बताना हो। तो ये वीडियो मैं इसी वजह से बना रहा हूँ क्योंकि कुछ फ्रेंड ने वहाँ पर उसी वीडियो के नीचे कमेंट करा है कि ऑन करना तो आपने बता दिया लेकिन ऑफ कैसे करते हैं इसके बारे में भी वीडियो बनाओ, तो मैं यहाँ पे इसी वजह से वीडियो बना रहा हूँ ताकि उन फ्रेंड्स को ये इस टॉपिक के बारे में यानी कि इस प्रॉब्लम के बारे में जानने को मिले या उसका सॉल्यूशन मिल जाए। तो अब मैं साइड में स्क्रीन पर दिखा रही हूँ तो आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आपको टिकटॉक ओपन करना है, अपने अकाउंट को लॉगिन करना है, वो तो आपने कर ही रखा होगा। उसके बाद अपने ऊपर 3 डॉट है उन पर क्लिक करना है यानी कि सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे डिजिटल वेब लिंक करेंगे एक ऑप्शन होगा, नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे उस ऑप्शन में दोनों ये ऑप्शन मिल जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड मोड भी मिल जाएगा और स्क्रीन मैनेजमेंट का एक ऑप्शन भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन होगा स्क्रीन मैनेजमेंट, यानी कि उसमें आप अगर एक पासवर्ड बनाते हो उसको तो आप डाल देते हो, उसके बाद उसको ऑन कर लेते हो, वहाँ पे डिफॉल्ट में ऑफ ही होता है लेकिन उसको ऑन कर लेते हो तो होता क्या, मैं वो भी पहले बता देता हूँ। जैसे ऑन करते हो उसके बाद आपको जब से ऑन किया उसके बाद 60 मिनट यानी कि 60 सेकेंड 1 घंटे के बाद फिर से एक बार पासकोड मांगेगी, यानी कि एक बार आपको स्क्रीन वो टिकटॉक ओपन करने के लिए पासवर्ड ज़रूरत पड़ेगी। कोई यहाँ पे फ़ायदा क्या है कि अगर कोई बंदा आपका टिकटॉक यूज़ कर रहा है, आप नहीं चाहते वो 60 या कि 1 घंटे के ज़्यादा वो यूज़ कर पाए, तो आप इस तरह का पासवर्ड लगा सकते हो, और पासवर्ड लगाने के बाद जब आपको ही पता होना चाहिए वो पासवर्ड, उसको पता है तो वो इजीली वो यूज़ कर सकता है लेकिन आपको पता है पासकोड और आप नहीं चाहते कि सामने वाला कोई भी बंदा देख रहा है आपको मोबाइल में टिकटॉक को भी वीडियो देख रहा है, तो आप नहीं चाहते कि वो 1 घंटे से ज़्यादा देखे। तो इसके लिए आप जैसे वो ऑन कर लेते हैं तो 1 घंटा होगा वो जो बंदे सामने वाला देख रहा है 1 घंटा होगा, उसके बाद उसको पासवर्ड पूछेगा तभी वो आगे चलेगा टिकटॉक और बाकी की वीडियोस शो होगी। तो ये होता है स्क्रीन मैनेजमेंट, वहाँ पे जो होता है ऑप्शन उसमें आप ऑन कर लेते हो ये होता है उसमें। और दूसरा ऑप्शन है रेस्ट्रिक्टेड मोड, यानी कि कुछ गलत वीडियो होते हैं गंदे वीडियो होते हैं वो आपको शो नहीं करना, जैसे कि आपके बच्चे अगर वीडियो देखते हैं टिकटॉक टिकटॉक के वीडियोज़ देखते हैं उसमें कई बार क्या होता है गंदे वीडियोज़ भी आ जाते हैं, तो अगर आप रेस्ट्रिक्टेड मोड ऑन कर लेते हो तो क्या होता है वहाँ पे कि ऐसे वीडियोस नहीं आएंगे स्क्रीन पे, यानी कि उसको किसी को शो नहीं करेगा और ऑन कर लेते हैं। तो अब इसको ऑफ कैसे करना है तो ये मैं बताता हूँ, आपको वहीं पे जाना है और डिजिटल वेब लिंक में और उसमें जो स्क्रीन मैनेजमेंट का फर्स्ट होगा उस पर क्लिक करना, पहले ऑन होगा आपको वहाँ पर ऑन दिखाई देगा और नीचे एक ऑप्शन होगा रेड कलर का इनेबल ऑफ मतलब इस तरह का कुछ होगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे पासकोड देना है जो आपने पहले बनाया होगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि आप नीचे एक चेंज पासकोड कर सकते हैं लेकिन फॉरगेट पासवर्ड नहीं कर सकते, यानी कि पासकोड नहीं कर सकते। ये थोड़ा मिस्टेक है आई थिंक टिकटॉक में, क्योंकि अगर आप गलती से पासकोड भूल भी चुके हो तो फॉरगेट कहाँ से करें, ये थोड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन आप अगर यहाँ पे ध्यान आपको ही रखना होगा क्योंकि अगर आपने एक बार पासकोड बना लिया है तो यहाँ पे फॉरगेट का अभी फिलहाल कोई भी ऑप्शन नहीं है, चेंज कर सकते हैं यानी कि आपको पता है पासकोड क्या है और दूसरा चेंज करना है तो आप नीचे चेंज वाला ऑप्शन है उस पर जाके चेंज कर सकते हैं, लेकिन फॉरगेट नहीं कर सकते अगर आप परमानेंटली भूल चुके हैं क्या पासकोड था उसके बारे में। तो अब फिलहाल इस टाइम के लिए ऐसा कोई फीचर्स नहीं है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है इन फ्यूचर में ऐसा कुछ अपडेट आ जाए तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए तो ये ऐसा कुछ है नहीं।
तो आपने जो भी पासकोड बनाया हुआ आपको याद होना जरूरी है, तभी ये सब कुछ आप काम कर सकते हैं। तो ऑफ कैसे करेंगे, जैसे मैंने बताया वहाँ पे आपको जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा रेड कलर का, ऑफ करने के लिए वहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद वहाँ पे पासकोड एंटर करना है, सीधा ऑफ हो जाएगा। सेम यहाँ पे रेस्ट्रिकेटेड मोड में भी आपको क्लिक करना है, नीचे एक ऑप्शन होगा और रेड कलर का, उस पर क्लिक करना है और वहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पर भी पासकोड भी आपको एंटर करना है और वहीं पासकोड से आप अपना जो ऑफ ऑन होगा रेस्ट्रिक्टेड मोड उसको ऑफ कर सकते हैं। सेम दोनों फीचर्स ऑन हो गए तो आप ऑफ कर सकते हैं पासकोड के थ्रू। लेकिन मैंने जैसे बताया पासकोड आपको याद रहना होना ज़रूरी, मतलब आपको याद होगा तभी ये सब कुछ ऑन ऑफ कर सकते हैं, वरना पासकोड आपके पास नहीं है, आपको याद नहीं है, आपने बना के रखा है तो भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इस वक्त तक कोई भी फॉरगेट पासवर्ड का यहाँ पे मतलब पासकोड का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। चेंज का है लेकिन फॉरगेट का नहीं है, यानी कि चेंज का मतलब आपको पता है पहले से और उसको चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज तो कर सकते हैं लेकिन फॉरगेट नहीं है। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे टिकटॉक में हो सकता है, इन फ्यूचर में ये अपडेट ला दे, लेकिन अभी के लिए तो कुछ ऐसा अब यहाँ पे टिकटॉक में है नहीं। तो ये कुछ आज के वीडियो में था, तो आज का वीडियो पसंद हो लाइक कर लीजिए और चैनल पर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।